हिमाचल कैबिनेट की बैठक में नौकरियों का पिटारा खुला है। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न करीब 1000 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिली है। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में ही डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के करीब 900 पद भरने को स्वीकृति दी है। इसमें नर्स के करीब 700 पद भरे जाएंगे। टांडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल कांगड़ा में 450 पद भरने को मंजूरी दी है। इसमें स्टाफ नर्स के 300 पद भरे जाएंगे। साथ ही रेडियोलॉजिस्ट, ओटी असिस्टेंट और क्लास 4 आदि के 150 पद भरे जाएंगे। साथ ही 22 पद विशेषज्ञ डॉक्टर के पद भरने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहीं कैबिनेट की बैठक में आईजीएमसी शिमला और सुपर स्पेशलिटी चमियाना में विशेष डॉक्टर के 28 पद भरने को स्वीकृति दी है। विशेषज्ञ डॉक्टर के 28 पद भरने को स्वीकृति दी है। साथ ही 400 पद स्टाफ नर्स के भरे जाएंगे। 61 पद रेडियोलॉजिस्ट, ओटी असिस्टेंट और क्लास 4 आदि के भरे जाएंगे। कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई है। इसके अलावा 12 पद असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के भरने को मंजूरी दी है। हिमाचल लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होगी। 3 पद हिमाचल सूचना आयोग में स्टेनोग्राफर के भरने को मंजूरी दी है। हिमाचल वन विभाग में 5 पद ACF के भरने को स्वीकृति दी है। इन पदों पर भर्ती हिमाचल लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। हिमाचल शहरी विभाग में एनवायरमेंट सेल में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को हरी झंडी मिली है। इसके अलावा नई सब तहसीलों के लिए भी 8 पद स्वीकृत किए हैं। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।